नमस्कार दोस्तों, मैं लाया हूँ, देखो आज ऐसी मशीन है जिसमें सभी तरह के बिट लग जाते हैं। अगर आपको छोटी चैनसा बनानी है तो आप इससे चैनसा भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप देख लेते हैं किस तरह के टूल्स हैं। तो मैं दोस्तों एक इसमें पीस मंगा रहा हूँ, पूरा दोस्तों कार्टून आता है इसमें, तो कार्टून की वजह से दोस्तों इसमें पूरा बता दिया, कैटलॉग है इस तरह से इसमें मशीन है। तो पहले हम मशीन को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार फाइबर बॉडी की ये मशीन है। तो ये सिर्फ दोस्तों मशीन है, बाकी जो आगे के जो जितने भी इसमें पार्ट्स हैं वो सारे अलग अलग हैं। तो पहले मशीन को मैं वापस एक बार रख देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे जो टूल्स है उसकी ओर ओपन करता हूँ। तो इसमें दोस्तों जितने भी मशीनें हैं वो मैंने ओपन कर ली है और इनके साथ में जो अलग अलग उनके किट हैं वो इनको अटैच करके मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो मैं एक एक किट आपको दिखाता रहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर ले। तो जैसा कि मशीन में निकाले दोस्तों, बहुत ही शानदार फाइबर मैट्रिक की है और ये कॉर्डलेस में ही आती है, जिससे आप दोस्तों काम थोड़ा आसानी से कर सकते हो। और इसमें दोस्तों हैवी और नॉर्मल मोड भी है, और इसमें दोस्तों जो बैटरी है वो 21 वोल्ट तक आप लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग कैपेसिटी की आती है, तो आप जितने चाहे उतनी कैपेसिटी की बैटरी मंगवा सकते हैं। तो इसमें जो बैटरी है, आगे के जो पार्ट्स है वो दिखा देता हूँ। तो मैंने दोस्तों ये बैटरी 21 वोल्ट की मैंने बैटरी है दोस्तों, बहुत ही हैवी ड्यूटी बैटरी है, और बैटरी क्वालिटी आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार बैटरी है इसकी। और इसको अटैच करके इसको देख लेते हैं, ओपन किया है मैंने इसको। अब इसका दोस्तों जो पहला जो इसका किट है वो मैं इसको लगा के आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जो पहला किट, इसके साथ दोस्तों चार्जर भी है, बहुत ही शानदार आप देखते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में। अब दोस्तों इसके जो पार्ट्स हैं मैं एक एक करके आपको लगा के दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें दोस्तों हैमर है, जो 26mm हैमर का लुक का ये अलग से जो पार्ट्स है इसका अलग से है। 26mm हैमर में दोस्तों ये अच्छे से काम करेगा, तो मैं इसको अटैच करके आप दिखाऊंगा। दोस्तों सेम टू सेम हैमर की तरह ही है, इसमें हैमर बिट लगने के लिए, और इसमें पूरा दोस्तों किट दिया हुआ है। कॉर्डलेस होने के साथ दोस्तों दिखने में भी बहुत बढ़िया है, फुल मजबूत है। तो इसके साथ दोस्तों मैं इसको अटैच करके देख ले दोस्तों। अटैच करने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है, नॉर्मल पुश करते ही पुश हो जाता है। अब इसमें इसको चालू करके देता हूँ दोस्तों, बहुत ही तरीके से ये देखो राउंड ले रहा है, और हैमर के साथ दोस्तों राउंड ले रहा है। ये हमने हैमर और ये नॉन हैमर दोनों ऑप्शन है इसमें, ऊपर आप करेंगे तो हैमर हो जाएगी, नीचे करें तो नॉन हैमर हो जाएगी। तो दोस्तों दोनों तरह के ऑप्शन है। अब मैं इस किट को निकाल के अब दूसरा जो इसका जो किट आया है मैं उसको अटैच करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा किट दोस्तों देख सकते हैं, ये अपने टाइटर मशीन का है, जो अपने नॉर्मल टाइटर मशीन आती है उसको आप इस मशीन को हैमर के साथ टाइटर भी बना सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ जो कॉर्डलेस मशीन है वो टाइटर पर्पज़ में ही काम आती है। तो इसमें दोस्तों मैं एक यूज़ अच्छे से आ रही है, लेकिन इसमें एक कमी भी है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। दिखा दिए हैं, अब जो तीसरा है वो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तीसरा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तीसरा पार्ट्स है जो मैंने लगा लिया है, और इसको भी दोस्तों मैं यूज करके बताऊंगा आप किस तरह इसमें यूज कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी गाड़ी बाइक और कोई भी है, अगर आप इसको वॉश करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों इस तरह का सिस्टम दिया है, तो आप इसको वॉश कर सकते हैं घर पे ही कार वॉशिंग के लिए। तो दोस्तों इस तरह का जो इसके पार्ट साथ में है तो इनको मैं अटैच कर रहा हूँ। कैटलॉग देख के ही आपको अटैच करना पड़ेगा, या वीडियो देख के भी आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों इसको जो नीचे है पाइप लगने के लिए सिस्टम, तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप प्रेशर के अनुसार जैसा भी प्रेशर लग उसके अनुसार इसके आगे नोज़ल लगा सकते हैं। तो अगर आपको सभी तरह का प्रेशर आपको लगाना है तो आप उस तरह का प्रेशर बना सकते हैं। तो ये दोस्तों अपना तीसरा था। अब मैं आपको दूसरा तरह का जो पार्ट्स है वो भी अटैच करके आपको दिखाऊँगा। तो दूसरा तरह का दोस्तों जो पार्ट्स है वो आप देख सकते हैं, चैनसा है, बहुत ही छोटी चैनसा है मेरे ख्याल से दोस्तों, ये
पूरा 10 इंच, 9 इंच, 9 इंच के आसपास होगी। तो मेरे को दोस्तों ये 8-9 इंच लग रही है, मैंने इसको प्रॉपर अभी टेप से नापा नहीं है, तो नापने के बाद मैं आपको वीडियो में बता दूंगा ये कितने इंच की है। दोस्तों मैनुअल है, तो आप इसमें ऑयल वगैरह देने के लिए स्क्रू ड्राइवर और चाबी, ये दोस्तों इसके यूज़ प्रॉपर यूज़ के लिए है। अगर आप चैन से आपको निकालना है, टाइट करना है, तो इसके लिए ये काम आते हैं टूल्स। अब दोस्तों आगे के टूल्स के लिए चलते हैं, इसमें कौन सा टूल्स और रह गया है वो भी हम देखते हैं। ये दोस्तों हम देख सकते हैं, अगर आपको कोई ग्राइंडर वगैरह, अगर इसमें ब्लेड वगैरह लगानी है तो वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा किट है, ये दोस्तों बहुत ही कम आता है काम, क्योंकि इसमें ग्राइंडर नॉर्मल यूज़ पर्पज़ के आ जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें दिया है तो आप ग्राइंडर पर्पज़ भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेफ्टी कवर के साथ दिया है, तो मैं आपको सेफ्टी कवर लगा के भी दिखा दूंगा। ये दोस्तों सेफ्टी कवर लगने के साथ ही इसको हम टाइट करेंगे, तो ये यहाँ पर सेफ्टी कवर इसका टाइट हो जाएगा, और इसके बाद ये वाशर और ये ऊपर वाला बोल्ट लगा के हम जितना चाहें, जिस एंगल में चाहें उस एंगल में इसको टाइट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। कोई राइट हैंड से करता है, कोई लेफ्ट हैंड से करता है। तो दोस्तों इस तरह के मैंने टूल्स हैं ऊपर फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, आप भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरह के टूल्स पूरे प्रॉपर आपको